नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसी खास रेमेडीज बता रहा हूं, इसको करने के बाद में जो भी आपके मनी चैलेंजेस है 100% रिमूव हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, गाय जो होती है हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय कही गई है। काम धेनु, जो काम की पूर्ति करती है, जो भी हमारी कामनाएं होती हैं, जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, इनकी पूर्ति करने के लिए यदि हम गाय के कुछ अंगों के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको सही तरीके से सही दिन में अगर इनका उपयोग कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ में 33 कोटि देवी देवता भी अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं और जो भी आपके ग्रह जो अनबैलेंस होते हैं ये बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, गाय के हर एक अंग में हर एक देवी देवताओं का वास माना गया है। हमारे शास्त्रों में इसीलिए गाय माता को पूजनीय कहा गया है। गाय की जो पूंछ होती है और पूंछ का जो गुच्छा होता है इसमें कहा जाता है कि हनुमान जी का वास होता है। गाय के गोबर में यदा कदा माँ लक्ष्मी वास करती है। पहले के लोगों को आपने देखा होगा कि गोबर से लीपा करते थे, है ना, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज की जनरेशन में तो गोबर नहीं लिपा जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप गोबर का थोड़ा सा हिस्सा, आपका जो मेन चौखट होता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे में, लेकिन अगर बुधवार से अगर शुरू करते हैं आप तो आपके बुद्ध भी बैलेंस हो जाएंगे। गाय का थोड़ा सा आपको गोबर लेना है और थोड़े से हिस्से में आपका जो मेन चौखट होता है बीचों बीच आप वहां पर लीप दें, थोड़ा सा गोबर लगा दें हल्का सा, ठीक है, और उसमें एक हल्दी का पेस्ट बना करके इसमें एक स्वास्तिक बना दें। बुधवार से इस प्रयोग को शुरू करें, ठीक है। और इसमें संध्या समय जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है उस समय आपको क्या करना है, एक घी का दिया मेन जो चौखट होता है बीचों बीच आपको जलाना है। आप बुधवार से शुरू करिए और अगले बुधवार तक आपको परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा। और हो सके तो हरी धूप होती है, 5 हरी धूप उसमें रख करके उसके ऊपर दीपक जलाएं। इससे आपके बुध ग्रह जो होंगे ये भी आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पैसा बुध ग्रह के पास में है, ना किसी से बैर है, ना किसी से शत्रुता है, और साथ में राजकुमार कहे गए हैं। तो दोस्तों ये प्रयोग आप करके देखिए। मैं आज आपको दो रेमेडीज दे रहा हूं, दोनों रेमेडीज बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही आसानी से आप सभी को कर पाएंगे। कोई खर्चा नहीं है, ज्यादा तंत्र मंत्र पूजा पाठ कुछ भी नहीं है, है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास रेमेडीज, कुछ एंजल नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपकी जरूरत क्यों होगी वो जानकारी आपसे मिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे कॉल में प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, या आपके घर में ऐसी कोई समस्या है, तंत्र मंत्र किया कराए की कोई बाधा है, या वास्तु अनबैलेंस है, या पति पत्नी मन मन दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी है, कर्ज की समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बेरोजगारी, किसी भी प्रकार की समस्या का सटीक समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाके चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है आप उसे सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो उनको भी दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके नाम और माता पिता के नाम पर एनर्जी बेस पर आपकी हर एक समस्या का सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। जो भी समस्या है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एपिसोड बनाने में, जानकारी को आप लोग तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पहला जो है ये उपाय, गाय के जो गुच्छा होता है पूंछ का, इसमें हनुमान जी का वास होता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी चाहते हैं कि आपके घर में ना रहे, आपके बॉडी में ना रहे, है ना, तो ये प्रयोग आप मंगलवार या शनिवार के दिन में करें। गाय के पूंछ के थोड़े से बाल आपको काटने हैं, गाय को तकलीफ ना हो, ठीक है, आपको उखाड़ने नहीं है, ठीक है, आपको बाल 9 बाल आपको काट लेने हैं और इसको लेकर के आ जाएं और कच्चे दूध से या गंगा जल से इसको स्वच्छ कर लें
और किसी लाल कपड़े में, अगर मंगलवार को कर रहे हैं तो लाल कपड़े में, शनिवार को कर रहे हैं तो काले कपड़े में, इनको उसमें रख दें। अगर ये प्रयोग हनुमान जी के मंदिर में करेंगे तो और भी बेस्ट है। और उसके बाद में इन बालों को जो आपने लिए हुए हैं कपड़े में रख करके हनुमान जी के मंदिर जाएं, सरसों का तेल या फिर चमेली के तेल का दिया जलाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं और इन बालों को हनुमान जी के चरणों में रख दें और ओम अंजना सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। सबसे पहले श्री राम नाम की जाप करें 108, उसके बाद में ये मंत्र, उसके बाद में फिर श्री राम नाम का 108 बार जाप और फिर 3 बार कवर सु काज कठिन जग माही जो नहीं हुए ताद तुम पाही, इस चौपाई का जाप करें। फिर हनुमान जी के सामने विनती करें कि जिस भी परेशानी की वजह से, जिस भी तंत्र मंत्र किया कराया, नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा या जिस भी दोष की वजह से आपकी लाइफ में कर्ज हो गया है, धन का आगमन रुक गया है, सारी परेशानी दूर करें। ऐसी प्रार्थना करके उस कपड़े को लेकर के घर आ जाएं, इसकी पोटली बना करके अपने पर्स में रख लें या अपने धन स्थान में रख दें। कभी भी दोस्तों कोई भी ऐसी क्रिया होगी जो आपके ऊपर की गई होगी, या कोई नजर दोष या हाय या कोई ग्रह दोष वास्तु दोष, ये सारी परेशानी आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी और धन का आगमन शुरू हो जाएगा, कर्ज मुक्ति के योग बनने लगेंगे। अब दूसरा प्रयोग दोस्तों, ये आप शुक्रवार के दिन में करेंगे। शुक्रवार के दिन में आपको एक लाल कपड़ा लेना है, 2 इलायची लेनी है, ठीक है। माता लक्ष्मी की एक तस्वीर होनी चाहिए, कमल में बैठी हो, ठीक है। हरा ब्लाउज, लाल साड़ी, 2 हाथियों का गज जो होंगे, कलश अभिषेक कर रहे होंगे, ऐसी फोटो लाल कपड़े में स्थापित करें। एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लें और लाल कपड़े में आपको क्या करना है, 2 इलायची आपको रख देना है माता रानी के चरणों में। शुक्रवार की संध्या समय 7 बजे इस प्रयोग को आप करेंगे, बिल्कुल 7 बजे, शुक्रवार को 7 बजे, ठीक है। 2 इलायची आपको माता रानी के चरणों में रख देना है। गुलाब की अगरबत्ती जला लें, घी का दिया जला दें, गुलाब का एक पुष्प रख लें और गुलाब का इत्र रख लें। सबसे पहले हल्दी कुमकुम का माता रानी को तिलक करें, ठीक है। श्रीहरि भगवान विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर आपने गुलाब का इत्र लगा दें, गुलाब की अगरबत्ती घुमा दें, गुलाब का पुष्प चढ़ा दें और जो आपने दिया लिया हुआ घी का, इससे माता रानी की आरती उतार दें। 2 इलायची माता रानी के चरणों में रख दें, प्रसाद स्वरूप आपको उनको चरणों में आपको रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद में दोनों इलायची कपड़ा से सीधे हाथ में इलायची को रखें, मुट्ठी बंद करके माता लक्ष्मी का जो मंत्र है बीज मंत्र, ठीक है, इसका आपको 1001 बार या फिर 1008 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ठीक है। इस मंत्र का 1008 बार मंत्र का जाप करके इलायची को आपको अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद में ये फिर से आपको इलायची माता रानी के चरणों में रख देना है और उसके बाद में आप क्या करेंगे, शुक्रवार की पूरी रात्रि इस इलायची को आपको वहां रखे रहने देना है। दूसरे दिन 1 इलायची उठा करके किसी भी व्यक्ति को कुछ पैसों के साथ में या कुछ अनाज के साथ में, क्योंकि नॉर्मल आप देंगे किसी को इलायची दान करेंगे तो कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। तो किसी कुछ दक्षिणा वगैरह कुछ 11 रुपए, 21 रुपए, 51, 101, जो भी आपकी शक्ति है, या कुछ अनाज के चावल के साथ में, किसी भी चीज के साथ में इस इलायची को रख करके और दान कर दें। और दूसरी, जब दान कर देंगे उसके बाद में दूसरी इलायची को लाल कपड़े में उसको बांध करके उसमें गुलाब का इत्र लगा करके और इसको अपने पर्स में रख लें या अपनी तिजोरी में रख दें या जहां आपका गल्ला है, व्यापार है, बिजनेस ऑफिस है, वहां रख दें। दोस्तों देखेंगे शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक जो भी मनी के ब्लॉकेजेस थे, जो भी मनी चैलेंजेस थे, टोटल खत्म हो जाएंगे, धन प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे, माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगी, घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जिस भी कारण से मनी का ब्लॉकेजेस हुआ था, सारी इसकी सारी प्रॉब्लम, सारे ऑप्टिकल्स आपकी लाइफ से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। बस दोस्तों विश्वास के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में, ठीक है, एकदम पॉजिटिव होकर के कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैं ये रेमेडी पूजा उपाय कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मुझे 100% मिलेगा ही, ये सोच करके पूरे विश्वास के साथ में माता रानी की शक्तियों पर विश्वास करके इस प्रयोग को करिए। कभी आपकी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं आएगी, पर्स हमेशा भरा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है तो फिर पॉजिटिव एनर्जी को क्या करती, खत्म करती है, और जिसके कारण मनी चैलेंजेस आने लगते हैं, आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई बात समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद उपाय को करिए। और जानकारी यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और दोस्तों अच्छी जानकारी है और लोग भी इस जानकारी का बेनिफिट लें तो इसके लिए जितना हो सके जानकारी को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी जानकारी और लोगों को भी जानकारी का बेनिफिट दे सकती है ना, तो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।
हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।